थी। स्मार्ट सिटी से सड़क चौड़ीकरण व नाला निर्माण के कारण स्टेशन रोड की 116 दुकानों को खाली करने की आखिरी डेट 20 जनवरी को पूरा हो गई, जिसके बाद आज नगर आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण हटाने वाली टीम जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर स्टेशन रोड पहुंच गई और दुकानों को तोड़ा जाने लगा। वहीं किसी तरह के हंगामा से बचने के लिए मौके पर पुलिस कर्मियों के साथ नगर डीएसपी राघव दयाल और एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश खुद मौजूद रहे। हालांकि बुलडोजर चलाने से होने वाले नुकसान के डर से लगभग एक तिहाई दुकान पहले ही खाली हो गई है। अधिकतर दुकानों ने कीमती सामान पहले ही हटा लिया है। शेष बचे दुकानदार आंदोलन कर धीरे धीरे अपना सामान समेटने में लगे हैं। मौके पर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। कुछ दुकानदारों को छोड़कर सभी लोग दुकान खाली कर चुके हैं। स्मार्ट सिटी से सड़क चौड़ीकरण व नाला निर्माण के कारण स्टेशन रोड की 116 दुकानों को हटाया जा रहा है। इसमें स्मार्ट सिटी के तहत नाला निर्माण किया जाना है, उसके लिए कम से कम 13 फीट का जगह चाहिए था। उसी के तहत हम लोग जो भी दुकानदार संघ था सबके साथ हम लोग बैठक हुई है और जो भी उनका ग्रिल है या स्ट्रक्चर है वो अपना स्वेच्छा से निकाल रहा है और उसके बाद इस भवन को डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि स्मार्ट सिटी के तहत जो नाला निर्माण करना है, नाला निर्माण करने के बाद इस रोड की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और जो भी यहाँ वेंडर है, दुकान वाले हैं, उन लोगों को भी जो हमारा वेंडिंग जोन होगा सब जगह उसको हम लोग दुकानों को कराएंगे। चिन्हित जोन के रूप में चिन्हित वहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। 52-54 फीट वाला मामला क्या है? 52-54 फीट का क्या मतलब? तो थोड़ा स्मार्ट सिटी के नाला के तहत ही किया जा रहा है। ये नाला जो हम लोग का है ना, कम से कम उसको बनाने के लिए 13 फीट का जगह चाहिए सड़क के बाद, उसी के तहत जो दुकान है उसको हटाया जा रहा है। इन लोगों को कोई जगह चिन्हित करके वेंडिंग जोन में, वेंडिंग जोन जो भी नगर उसको हम लोग देंगे कार्रवाई। अभी नहीं चिन्हित हुआ, वेंडिंग जोन चिन्हित है उसी में देने की कार्रवाई की जाएगी। हो रहा है तोड़ने में क्या? विरोध की तो बात नहीं है सर, कल ही इन लोगों के साथ वार्तालाप हुई है, सारे जिला के बड़े पदाधिकारी जो भी थे, जो संबंधित पदाधिकारी थे उनके साथ इन लोग के आपस में वार्ता हुई है। वार्ता के बाद इन लोग स्वतः अपने इच्छानुसार दुकान को खाली करवा रहे हैं। कोई विरोध नहीं हो रहा, प्रशासन को लगने का जरूरत नहीं, स्वतः खाली कर रहे हैं। अवैध है, अवैध सब दुकान है। अवैध नहीं है, नाला नहीं एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, नाला बनाने के लिए जो जगह चाहिए जी, तो हटाने के बाद इसका चौड़ाई भी बढ़ जाएगा, नाला भी बन जाएगा। सड़िया से जो फेडरल रोड बन रहा है उसी के लिए थोड़ा कितना दुकान हो गए? 116 है। अच्छा, ये दुकानदार सबको कहीं जगह दिया जाएगा पेंटिंग के तौर पर? साहब जाने दे दिया आपने नवीन कुमार नगर में। एक जेसीबी का ड्राइवर भी घायल, Thank you.